मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ पनीर का बिल्कुल है अलग तरीका की सब्ज़ी, जो होटल वगैरह में खाते हैं उससे अच्छा और बेहतर तरीका से घर पर यह सब्ज़ी बना सकते हैं। बहुत ही खाने में ये सब्ज़ी टेस्टी लगेगा और बिल्कुल ही इसका सामान जो फ्रेंड्स बाहर से लाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। किचन का ही सामान से ये बहुत ही झटपट आसान तरीके से सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगा, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इस रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रखा है और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। तेल जो गर्म हो गया है, मीडियम साइज का मैंने 4 प्याज को छिलका निकाल लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल में मैंने डाल दिया है और 1 फुट मैंने बड़ा साइज का टमाटर डाला है। देखिए 1 फुट लहसुन का मैंने छिलका निकाल कर और इसे भी इसमें डाल दिया है। ये देखिए, तो इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ। इससे जो ग्रेवी बनेगा फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, तो इसे 2 से 3 मिनट फ्राई होने में लग जाता है। तो यहाँ पर प्याज और लहसुन दोनों ही अच्छे से फ्राई हो गया है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। और टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो गया तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो इसे जब ठंडा हो जाएगा फ्रेंड्स तो मैं इसे मिक्सी में डालकर पीस लूँगी। तो यहाँ पर यह ठंडा हो गया है, तो टमाटर जो हल्का अंदर से कच्चा ही है, तो मुझे ज़्यादा इसे पकाना भी नहीं था। इसे मैं इस तरह से कट पीसेस में कट कर लेती हूँ और फिर मैं जार के अंदर डालकर इसे पीस लूँगी। अगर ऐसे ही डालूँगी तो अच्छे से पिसाएगा नहीं। तो प्याज फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल ही पक चुका है, तो इसे मैं कट नहीं करूँगी, बस इसे ऐसे ही जार के अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जार लिया है और सभी को इसमें डाल दिया है। ये देखिए, इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, बस इसे ऐसे ही पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बादाम लिया है, वो मैंने डाला है 7-8। अब मैं इसे पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस कर रेडी कर लिया है। ये देखिए, तब की सब्ज़ी में फ्रेंड्स इस तरह मसालों को फ्राई करके अगर आप मसाला इसका बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है उसमें। तो यहाँ पर मैंने सेम ही कढ़ाई रखा है, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल, 1 चम्मच मैंने खड़ा जीरा डाला है, पिसा हुआ पेस्ट को इसमें डाल दिया है और इसे 2 से 3 मिनट मिला के भूंज लेती हूँ। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गया है और ये देखिए हल्का सा इसका जो कलर है चेंज हो गया है। तब मैं इसमें डालूँगी सूखा मसाला। तो थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है और 1/2 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। तो इसमें ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल ही थोड़ा ही मसाला डालिए। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। तो सभी मसालों को मिलाकर 2-3 मिनट और मैं भूंज लेती हूँ। इससे मसाला का जो कच्चापन है वो भी निकल जाएगा और मसाला भी अच्छे से भूंजा जाएगा। तो यहाँ पर मसाला है जो अच्छे से भुंजा गया है। ये देखिए, इसमें से सोनी सोनी सी खुशबू आना शुरू हो गया है। तब मैं इसमें डालूँगी 1 कप दूध। तो ग्रेवी फ्रेंड्स आपको पतला रखना है या गाढ़ा रखना है अपने अनुसार आप रखिएगा। मैं तो यहाँ पर गाढ़ा ग्रेवी रखूँगी क्योंकि इसे मैं पराठे के साथ खाऊँगी। तो ये देखिए, मैंने 1 कप दूध डाला और अच्छे से इसे मिला दिया है। दूध की जगह आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध में इसका ग्रेवी जो तैयार करिएगा फ्रेंड्स बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है ये सब्ज़ी। स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाला है। अब मैं इसमें बॉयल आने देती हूँ। तो इसमें हल्का हल्का बॉयल आना स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। तो इसमें थोड़ा सा मैंने गर्म मसाला डाला है पर मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है। अगर आपको फ्रेंड्स गर्म मसाला नहीं पसंद है तो आप इसे हटा भी सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर जो बहुत ही अच्छा आएगा। तब मैं इसमें डालूँगी पनीर को। तो मैंने 200 ग्राम पनीर लिया था, उसे मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है, उसे मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो साइज छोटा या बड़ा अपने अनुसार पनीर को रख सकते हैं। तो सारे मैंने पनीर को इसमें डाल दिया ग्रेवी के अंदर। अब इसे मिला देती हूँ और इसे 5 मिनट तक ढक्कन से ढककर पका लेती हूँ।
तो यहाँ पर ढक्कन से इसे ढक दिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स 5 मिनट हो गया है और ये देखिए हमारा जो पनीर का सब्ज़ी है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। मैं ऊपर से डालूँगी मलाई। तो मैंने पहले से ही दूध का जो मलाई बनता है वो निकाल के रखा था, ऊपर से डाल दिया है। आप चाहे तो मलाई की जगह फ्रेश क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो अच्छे से इसे मिला दिया है और ये बिल्कुल ही रेडी हो गया है। तो अगर घर पर मलाई और क्रीम दोनों ही नहीं रहेगा तो आप इसे सिंपल सा भी ग्रेवी तैयार कर सकते हैं, ये भी आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अब मैं आपको सब करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से पनीर का सब्ज़ी फ्रेंड्स एक बार ज़रूर से घर पर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से एक बार बनाकर खा लेंगे यकीन मानिए होटल का सब्ज़ी खाना आप बिल्कुल भी भूल जाइएगा, इतना यह सब्ज़ी टेस्टी लगता है खाने में। एक बार घर पर ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आज की मेरी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह से मैं फिर नई रेसिपी के साथ आप सभी से मिलते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।